नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने शुक्रवार को महापौर प्रमिला पांडे से उनके कार्यालय में भेंट कर लेबर कॉलोनियों से जल एवं संपत्ति कर लिए जाने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में सुविधाओं के अभाव और कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण यह निर्णय जनहित में नहीं है। हाँ, देखिए, जानकारी में आया कि नगर निगम के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत जो लेबर कॉलोनी है उनसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली की जाएगी। मैं आज नगर महापौर से मिला, महापौर जी से मैंने आग्रह किया कि देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में है और चूंकि मैं स्वयं पिछले 42 वर्ष उस लेबर कॉलोनी में रह करके और अपना जीवन यापन किया है, एक कमरे की कॉलोनी में चार भाई बहन ने हम जीवन यापन किया है, मैं वहां के दर्द को जानता हूं। आप टैक्स की वसूली करिए, लेकिन उसके पहले कम से कम विकास की तरफ, जिस प्रकार से महापौर जी आपका स्वभाव है कि कानपुर में आप विकास चारों तरफ करा रही हैं, इस कॉलोनियों में भी आप जो कॉलोनी के पीछे जो उनकी सर्विस लेन है उसको बनाने का काम कर दें, पानी की समुचित व्यवस्था कर दें और सीवर की समुचित व्यवस्था कर दें, और जहां कहीं पर रोड सड़क नाली खड़ंजा बाकी है या पार्कों की सुंदरता है इसको कर दें, मैं स्वयं खड़े होकर के इस टैक्स को दिलवाने का काम प्रारंभ कराऊंगा। लेकिन मेरा आग्रह है, मैंने कहा महापौर जी से कि आग्रह है मेरा कि कोरोना के इस कालखंड में इस प्रकार के किसी भी टैक्स की शुरुआत की परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। खबर समय जगत के लिए कानपुर से ब्यूरो चीफ मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।